जवानों के निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे और एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह इसमें बंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं वह जल्दी स्वस्थ होकर वह बाहर आए और अपने दायित्व का निर्वहन करें। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। साथियों, आज के दिन मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह रेस उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पिछले एक साल से चल रहे स्वर्ण विजय वर्ष के दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया वहां देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था।